हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वेलकम टू एम एन एस प्रैब चैनल आज मैं आपको स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में ये एक अपने आप में एक कम्प्लीट वीडियो है जितने भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे एंड यस वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सोलर सिस्टम से आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके okay? तो पहले हम स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें आपका यूनिवर्स कंप्लीट आ जाता है और फिर सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर प्लैनेट्स की बात करेंगे और उनके सेटेलाइट्स की राइट तो स्टार्ट करते हैं थर्टी फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच द यूनिवर्स इज कॉल्ड या यू कहें स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस्ट्रोनॉमी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ आपको कंफ्यूजन होगा एस्ट्रोनॉमी में एंड कॉस्मोलॉजी में सो so, एस्ट्रोनॉमी में हम कंप्लीट यूनिवर्स की स्टडी करते हैं वेर इज कॉस्मोलॉजी क्या है ये एक सब सेक्शन है एस्ट्रोनॉमी का ही तो सब सेक्शन है एस्ट्रोनॉमी का दैट इज कॉस्मोलॉजी जिसमें हम सिर्फ यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके इवोल्यूशन की बात करते हैं जिसमें आपकी बिग बैग जो बिग बैग थ्योरी है वो भी आ जाती है राइट तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी का एक सब सेक्शन है जैसे साइंस के सब सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी का सब सेक्शन है कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी डील करती है इवोल्यूशन एंड ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स राइट सो करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ यूनिवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस सटल प्रोग्राम बाय नासा वॉज लॉन्च बाय लॉन्च इन विच इलाइट है स्पेस के लिए नासा के द्वारा कब लॉन्च की गई थी स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा सो दिस वॉज द फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च बाय नासा ऑन सेकेंड ऑफ अप्रैल नाइनटीन एटी वन ओके अब आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो नाइनटीन 81, वन लास्ट में क्या आ रहा है one. So this was the first mission. आप ऐसे करो first mission था नासा के द्वारा, तो नाइनटीन नाइनटी वन नहीं होगा होगा, तो, हुगा, 1981 हुगा. Nine, eight, one. तो ए, ऐसे छोटी छोटी ट्रिक लगा के आप खुद से भी लर्न कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन टू स्पेस तो फर्स्ट ह्यूमन जो स्पेस में गए थे इनका नाम क्या है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी यूरी गाग्रिन। यूरी गाग्रिन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन टू स्पेस और ये कहाँ के थे ये सोवियत यूनियन मतलब रशिया के थे नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इन टू स्पेस दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली महिला जो स्पेस में गई थी सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये कॉस्मोनॉट की थी कॉस्मोनोट के थ्रू ये गई थी वेलेंटीना so, वेलेंटीना यहां से आप ट्रिक लगा सकते हो जैसे वेलेंटाइन पर बॉय गर्ल्स को गर्ल को बोलता है विल यू बी माय वेलेंटाइन तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि वोमेन क्या हो जाएगी वेलेंटाइन वेलेंटीना टेरेस्कोवा और ह्यूमन कौन है पहले मैन कौन है यूरी गागरे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द फर्स्ट एनिमल सेंट इन ऑर्बिट सो अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट एनिमल जिसको ऑर्बिट में भेजा गया था मतलब स्पेस में भेजा गया था सो हेयर यू कैन सी इजीली डॉग इज द करेक्ट आंसर और ये इसका करेक्ट नाम इसका नाम भी याद आ, आ, आ सकता है इसका नाम था लाइका लाइका वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉग विच ट्रेवल इन टू स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार ऑफ विच कलर कैन बी सेट टू बी दूलेस्ट इनमें से किस कलर ऑफ स्टार को हम कूलेस्ट स्टार बोल सकते हैं so आप रेड तो बिल्कुल भी मार्क नहीं करोगे लेकिन इसका करेक्ट आंसर रेड ही है जो रेड स्टार है इट इज द कूलेस्ट स्टार एक्चुअली जो रेड स्टार है वो कूलेस्ट है उसके बाद येल्लो थोड़ा हॉट और व्हाइट सबसे हॉटेस्ट स्टार है सो so व्हाइट व्हाइट जो स्टार है वो मोस्ट हॉटेस्ट है उसके बाद येलो कम हॉट है देन रेड बहुत कूल cool है सो रेड इज लीस्ट हॉटेस्ट इन दिस कलर्स येलो एंड व्हाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब फिर अगेन मैं, मैं वही बात बोलूँ कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता है जितने भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं वो सिलेक्टेड हैं एंड ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एम एन एग्जाम सो डोंट वरी एंड आपको लगता है कि इसमें सोलर सिस्टम मतलब प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो ऑफकोर्स वो मैंने आपको सोलर सिस्टम वाली वीडियो में प्रोवाइड करूंगी दिस वीडियो इज रिलेटेड टू स्पेस ऑनली सो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड ये कहाँ लोकेटेड है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अहमदाबाद ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर सो so एप्लीकेशन से आप याद रख लो एप्लीकेशन ए एंड ए फॉर अहमदाबाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से किस प्लैनेट के पास मून नहीं है खुद का मून नहीं है करेक्ट आंसर इज फर्स्ट टू प्लैनेट्स दैट इज मर्करी एंड वीनस मर्करी और वीनस के पास खुद का मून नहीं है आप ऐसे लर्न कर सकते हो क्योंकि ये पहले दो प्लैनेट्स हैं क्योंकि अर्थ के पास खुद का मून है दैट इज हम जिसे हम मून बोलते हैं उसके बाद मार्स जूपिटर सेटन यूरिनस नैप्टून एंड प्लूटो सबके पास पास खुद के सॉरी सेटेलाइट हैं खुद के मूनस हैं लेकिन मरकरी और वीनस के पास खुद के मूनस नहीं है सो so ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट So, इनमें से कौन सी वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल सेटेलाइट है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी स्पुतनिक वन एम एन एस लास्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉरी टू थाउजेंड नाइनटीन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ तो उसका करेक्ट आंसर था मून और किसके पास सेटेलाइट नहीं है तो वो है मरकरी और वीनस

सो वीनस एक्सप्लोरेशन जो एक्सप्रेस है सॉरी वीनस एक्सप्रेस ये कब लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था 2005 में फर्स्ट वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग अनमेंड स्पेस क्राफ्ट सेंट बाय नासा टू स्टडी द प्लान जुपिटर एंड इट्स मून तो इनमें से कौन सा नासा का अनमेंड स्पेस है जो कि भेजा गया था जुपिटर की स्टडी के लिए और उसके सैटेलाइट मून के लिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीलियो नासा का पहला मिशन अनमेंड सॉरी अनमेंड स्पेस क्राफ्ट मिशन था टू स्टडी जुपिटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन वॉज लॉन्च बाय सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए यूएसए फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन ये किसका था यूएसए का था बाय नासा एंड इसमें कौन गए थे पहले नील आर्मस्ट्रॉग ऑल यू नो फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन विच द अर्थ इज अर्थ किस गैलेक्सी का पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये जो एंड्रो Androm एंड्रोमीडा है ये नियरेस्ट uh, गैलेक्सी है अपने मिल्की वे गैलेक्सी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ब्लैक होल इज ब्लैक होल क्या है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अ मैसिव कोलेप्सिंग स्टार्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड ब्लैक होल एक हाई ग्रेविटी है जिसमें यू नो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती सो दिस इज द पॉइंट इन स्पेस टाइम वेयर

जैसे हम चंद्रयान वन के नाम से जानते हैं जो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में सो so ये भी इंपॉर्टेंट है इंडिया का पहला लूनर प्रोब लॉन्च्ड बाय इसरो दैट इज चंद्रयान वन। एंड चंद्रयान टू लॉन्च्ड इन 2019 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अ टाइम पीरियड इन विच अर्थ कंप्लीटस अ डे इज कॉल्ड इट्स जो अर्थ के हम डे बोलते हैं या डे एंड नाइट्स जो है वो किस पर होते हैं किस पर बेस्ड होते हैं बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू एक्सेस रोटेशन ऑफ द अर्थ जब अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करता है तब उसकी वजह से अर्थ अपना डे कंप्लीट करता है ठीक है जैसे एक रोटेशन उसका ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है एंड वन डे इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन प्लांट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर वॉज नोटिस्ड बाई सो so, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ये पहले किसने नोटिस किया था सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है वॉट एस्ट्रोनॉमर सजेस्ट दैट द सन वॉज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम ये किस एस्ट्रोनॉमर ने सजेस्ट किया था कि सन ये है सन जो है वो सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम का जिसके सराउंडिंग में सारे प्लान मूव कर रहे हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन कॉपरनिकस सो कॉपरनिकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने ही बताया था कि प्लैनिट्स जो हैं वो अर्थ किसी एस्ट्रोनॉमर ने ये बोला था कि अर्थ जो है सेंटर है सोलर सिस्टम का बट दिस थ्योरी इज रॉन्ग एक्चुअली सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच एवरी प्लैनिट्स रोटेट्स सॉरी रिवॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कॉपरनिकस बिलीव द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज सो ऑल यू नो दैट इज सन इजीली अर्न हो जाएगा कॉपर निकस यहाँ पर लास्ट में यूएस आ रहा है इसको उल्टा करो एस यू एन ठीक है सो एस यू एन कॉपर निकस इज ऑल रिलेटेड टू सन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच एस्ट्रोनॉमर प्लेस्ड अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स तो ये एक गलत थ्योरी दी थी किसने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पटोलनी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन्होंने कहा था कि जो अर्थ है इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स सो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द लाइन विच अपीयर्स टू ज्वाइन स्काई एंड अर्थ इज कॉल्ड एक इमेजिनरी लाइन जिसे ऐसा लगता है कि ये जो स्काई है वो और अर्थ जो है वो उस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस लाइन से मिल रहे हैं जैसे यहां पर है ये स्काई है और ये अर्थ है ऐसा लग रहा है इधर मिल रहे हैं ये दोनों तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं इसका करेक्ट आंसर है हॉराइजन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्टार विच कैन सी ऑल द टाइम्स एंड ऑल द नाइट आर कॉल्ड ऐसा स्टार जो दिन में भी दिखता है रात में भी दिखता है चौबीसों घंटा दिखता है ऐसे स्टार को हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन इज सर्कम पोलर स्टार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सर्कम पोलर स्टार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच एस्ट्रोनॉमर रॉट द आर्य भट्टिया सो so, आर्य किसने लिखा था ये जो है खुद आर्य भट्ट फर्स्ट ने लिखा था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हाउ ऑफन अप्रोक्सीमेटली इज हैंडलेस कॉम्बिट विजिबल फ्रॉम अर्थ इन इयर्स। इन इयर्स मतलब हमें इयर्स में बताना है कि जो हैंडले कॉमेट है जो कॉमेट है कॉमेट क्या होता है एक यू you नो know, एक हाईली मूविंग यू नो एस्ट्रॉइड जिसकी एक टेल होती है बहुत लंबी पूछ होती है तो ये जो हैल्ले कॉमेट है ये कितने साल बाद दिखते हैं अर्थ से ये आपसे पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर एवरी सेवेंटी फाइव ईयर्स तो हर सेवेंटी फाइव ईयर्स के बाद हेल्ले कॉमेट दिखते हैं और जो हैले कॉमेट है वो लास्ट टाइम दिखा था नाइनटीन एटी सिक्स में अब ये कब दिखेगा टू थाउजेंड सिक्सटी वन में तो अगर हम जिंदा रहेंगे 2061 तक तो ऑफकोर्स वी कैन सी दिस हैली कॉमेट ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली हैलीस कॉमेट विजिबल आफ्टर एवरी 75 इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ दीस अमेरिकन एस्ट्रोनोमर्स डिस्कवर्ड प्लूटो इन 1930 इनमें से किस अमेरिकन एस्ट्रोनोमर्स ने प्लूटो की डिस्कवरी की थी जो कि अब प्लेनेट हम कंसीडर नहीं करते हैं द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी साइडर टॉम्बर्ग साइड टॉम्बर्ग ने डिस्कवर किया था प्लूटो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ दीज इज अ गैलेक्सी इनमें से कौन सी एक गैलेक्सी है सी जो ये सीरेज है ये स्टार है प्लूटो प्लैनेट है जुपिटर भी प्लैनेट है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर लार्ज मेलेनिक क्लाउड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ दीज कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्वानिटी इनमें से क्या लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइज कंटेन करते हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी स्टार्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेयर डू मोस्ट एस्टोरॉइड ऑर्बिट्स तो बेल्ट है, so है और जुपिटर जो कि एक आउटर प्लान है तो इनके बीच में जुपिटर सबसे बड़ा भी प्लान है तो इनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है जहां पर एस्ट्रॉइड रिवॉल्व करते हैं सो दिस इज एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी The first Indian remote sensing satellite was launched into space on? Pehli India ki remote sensing satellite ka launch ki So, the correct answer is in 1988. That is IRS Indian remote sensing I uh, first A was successfully launched on March 17, 1988. Next question number 31. The code name of the first vehicle driven by man on the moon surface was? पहली व्हीकल जो कि ड्राइव की गई थी बाय मैन ऑन द मून सरफेस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इज रोवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रोवर इज द फर्स्ट व्हीकल ड्राइवन बाय मैन ऑन द मून सो वेहीकल और एल आर वी या फिर लूनर रोवर इज अ बैटरी पावर्ड फोर व्हीकल रोवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इंडियन सैटेलाइट लॉन्च पैड इज लोकेटेड एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च पैड ये कहाँ लोकेटेड है इसका करेक्ट आंसर है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू अर्थ आउटसाइड द मिल्की वे सो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है अर्थ और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके नियर uh, बाय जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है सो so इसका करेक्ट आंसर है एंड्रो लास्ट टू क्वेश्चंस वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट सो फर्स्ट फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस यूरिगा तेरेस्कोवा लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्पेस टूरिस्ट पहली वुमेन स्पेस टूरिस्ट कौन सी है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अनसुआया अंसारी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अनुषया अंसारी एंड फर्स्ट मेल टू स्पेस टूरिस्ट correct answer is Tito Dennis Tito option a is the correct answer so don't get confused between space tourist and space man okay and woman so guys kaise ye questions are all space related let me know in the comment box and please like to this video if you like this video that's all for today next video will be on space. And many other GK topics, which is important for your MNS exam. Hope you like these questions. Thank you.